अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने पहली वीडियो में गजल के चार अशार की तशरी की। अब हम गजल के बाकी अशार की तशरी करेंगे। गजल का पांचवा शेर, मन की दुनिया सोज वो मस्ती जज्ब वो शौक, तन की दुनिया सूद वो सौदा मकर वो फन। तशरी, इस शेर में शायर मन और तन की दुनिया का फर्क वाजे करते हुए कह रहा है कि मन की दुनिया में सोज और मस्ती है। सोज यानी जलन, दर्द, तकलीफ, दुख। इस दुनिया पर जज्बे और शौक की हुक्मरानी है। इसके बरक्स तन की दुनिया यानी मादी दुनिया में नफा और नुकसान देखा जाता है। यहाँ धोखे और फरेब का गलबा है। गजल का छठा शेर, मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छाव है, आता है धन जाता है तन। तशरी, इस शेर में भी शायर मन और तन की दौलत के फर्क को वाजे करते हुए कहता है कि मन की जो दौलत हासिल होती है इसके गुम हो जाने या गायब हो जाने का अंदेशा नहीं होता। इसके बरखिलाफ तन की दुनिया छाव के मानिंद है। जिस तरह छाव आती है इसी तरह जाती भी है। यहाँ मामला दौलत का भी है, दौलत आती है तो चली भी जाती है। गजल का सातवां शेर, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न मन तेरा न तन। तशरी, शायर ने इस शेर में फलसफे को बड़ी उम्दगी के साथ पेश किया है। शायर कहता है कि कलंदर यानी अकलमंद शख्स की उस बात ने मुझे शर्मशार कर दिया कि जब तू गैर के सामने झुकता है तो ना ही मन तेरा रह जाता है और ना तन। जो लोगों को अपना माबूद बनाते हैं वो लोग अगर किसी दुनियावी गर्ज के गैरुल्लाह के सामने अपना सर झुकाते हैं यानी उसकी अतात करते हैं तो ना उनका मन उनके काबू में रहता है और ना ही जिस यानी उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाते हैं।